कोई भी वर्दी वाला अगर चेक करने के लिए आए ना, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल मत रुकना। अगर वो गाड़ी का पीछा करें तो बेधड़क उड़ा देना सालों को। हाईवे को टच होने के बाद हम महफूज हो जाएंगे, फ्री जोन। अगर हम मिल नहीं पाए तो हर बार की तरह सुभाष तुम्हारा पैसा टाइम पर दे देगा। तुम तो जानते हो सुभाष फेविकॉल है। आप मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? समय बहुत कम है। चिल्लाओ मत यहाँ पर, ये तुम्हारा ससुराल नहीं है कि जब तुमने कह दिया उठकर तुम्हारे साथ चल दिया जा। सर मुझे धमकी मिली है, अगर मैं ये खबर पुलिस को दूंगा तो वो मुझे बॉम्ब से उड़ा देंगे। मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? ये देखिए मुझे एक घंटे पहले फोन भी आया था। तो फिर तुम हर बार ऐसे काम करते क्यों रहते हो? ऐसी धमकियों से मैं नहीं डरता। वो अपने ट्रकों को लेकर बाहर निकल जाए, आप उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, यही जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर खाली नहीं बैठा हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसी सिचुएशन में कोई भी साधारण आदमी आपके सीनियर अधिकारी को शिकायत कर सकता है, इसलिए आपके डिपार्टमेंट ने कुछ जरूरी नंबर अखबार में दिए हैं। अरे भाई भाई भाई, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? शिवराज, तुम क्या चाहते हो? सर वो लोग सुंदर नगर से ट्रक के ट्रक रेत लेकर जा रहे हैं। ये सब क्या है? सर उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, कहिए तो उठा दूं। क्यों? नहीं नहीं, उठकर करेगा भी क्या? सर आजकल जो गैर कानूनी काम करता है, जिसे सभी लोग उदय भानु के नाम से जानते हैं, वो ट्रक से रेत की तस्करी कर रहा है, आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं क्या? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और उसे वहाँ पहुँचकर अरेस्ट कर लूंगा, लेकिन हाँ सुबह होने से पहले वहाँ पहुँचना होगा। अगर वो जेल से बाहर आ गए तो तुम्हारे लिए रिस्क होगा, तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ सर, वरना मुझे खुद को समाज सेवक बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ तो ड्यूटी पर तीन ही लोग हैं, जिसमें से एक बीमार है और एक को यहाँ रुकना पड़ेगा, क्यों? सर चलो, ऐसा ही उन्हें रोकेगा तो इसके लिए मैं काफी हूँ, इस वर्दी का अभी इतना रुतबा तो है। सर आप एक बार फिर से सोच लीजिए, उदय भानु की टीम में सुभाष भी है, प्रमोद सुभाष। चलो आप यहाँ कैसे आ गए सर? हाँ मैं यहाँ तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ, चलो जीप में बैठो, अपने आदमियों को कहो ट्रक लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचे। इसने मेरी कंप्लेंट की है क्या? हाँ की है, तब तो चलना ही पड़ेगा सर। जा कंप्लेंट कर ले। सीनियर ऑफिसर्स को कॉल करने वाला था, अच्छा हुआ मैं वहाँ पहुँच गया, अब तुम इसे संभालो। सर? सर के बच्चे। क्यों बे? सर कौन है तू नहीं जानता ना? मेरा पार्टनर है। Take off your cap. Sir? I said, take off your cap. Sir. Thank you.
इस दुनिया में जो हो रहा है वो ठीक ही है। कहीं पर छुपा हुआ एक सच, चोरी, किडनैपिंग और हत्याओं के पीछे कोई और है, कोई सच छिपा है। तो आइए शुरू करते हैं इनका कारण ढूंढने की यात्रा। चेहरा ख्वाब बना है मेरा, ये रूप अब मेरा, तेरी वजह से महका ये, ए, ए, ये रूप मेरा कातिल है चरा, बनके तू मुझ पे जादू सा छाया। इन्हें दिखा दूंगा तारे सुन, इन गिन के मारूंगा हारे सुन, गाना मैं हारूंगा ना हारूंगा चेहरा ख्वाब बना है मेरा, ये रूप अब मेरा, तेरी वजह से महका ये, ए, ए, ये रूप मेरा कातिल है चरा, बनके तू मुझ पे जादू सा छाया। मैं दिखा दूंगा तारे सुन, गिन गिन के मारूंगा हारे सुन, ना ना मैं हारूंगा ना हारूंगा मैं तुमसे, टिकरम टिकरम छोड़ो बे ओ बे ओ बे ओ, मैं दिखा दूंगा तारे सुन, नहीं के मारूंगा हारे सुन, ना ना मैं हारूंगा ना हारूंगा मैं तुमसे, टिकरम टिकरम छोड़ो बे ओ बे ओ बे ओ। मैं बात करूंगा, मेरी दखलंदाजी तो रहेगी यहां। यू नो व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट? हाँ हाँ हाँ, क्या वो इनोसेंस है? ही इज अ ट्रबल मेकर। किस अधिकार से सर? मैंने ऐसे कितने ही लोगों को देखा है, कुछ समय बाद ये लोगों को कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगेगा। हम इसे ठीक कर देंगे, मैं बात करता हूं, बाय। निरंजन सर, मैंने सुना है तुमने कल रात को एक शो क्रिएट किया। आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम कांगड़ा। इस बीच मैंने तुमसे बात करने की कोशिश भी की, बट यू वर पर्पजली नॉट अवेलेबल। एक अपराधी को मार कर उसे पकड़ा, ये समझ में आता है, लेकिन साथ में एक एसआई को भी मारा। यू आर द पेन इन द एयर। ये क्या गुंडागर्दी है? मैंने कितनी बार तुम्हें बुलाकर वार्न किया है, बट यू नेवर गिव इन। दिस टाइम इट्स एन ऑर्डर। कल तुमने जिस उदय भानु को पकड़ा है उसे तुरंत छोड़ दो, नो आर्गुमेंट्स। नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता। मेरा ऑर्डर नहीं मानोगे? ऑर्डर वाली बात नहीं है सर, उदय भानु के नाम पर केस रजिस्टर हो चुका है, और अरेस्ट होने के बाद केस रजिस्टर की बात मीडिया भी जानती है। अब आपके वर्बल ऑर्डर से मैं कुछ नहीं कर सकता। इश्यू एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड आई विल गेट हिम रिलीज्ड। ज्यादा नाटक मत करो, जो कहता हूँ वो करो। नो सर, आई कांट। ज्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं, कुछ भी करो लेकिन कलंक तुम्हारे ऊपर लगा रहेगा। हवाला वालों की मदद करने के जुर्म में तेरा बाप सबूत के साथ पकड़ा गया था,
उस टर्मिनेट किए गए पुलिस वाले के बेटे हो तुम। भूलो मत, दैट्स योर लिमिट। आज नहीं तो कल तुम भी अपने बाप की राह पर ही चलोगे। तुम जो बोलोगे वो सही है समझना, तुम्हारी गलती है। ये देखिए सर, जैसा आपने अभी कहा ये उसी अपराधी की फोटो है जिसने अपनी जिंदगी में अपनी सैलरी के अलावा किसी भी आदमी से एक रुपया भी नहीं लिया है। ये वो साधारण आदमी है। बड़े अधिकारी का मुखौटा बचाए रखने के लिए कुछ लोग ईमानदार पुलिस वालों को फंसाते हैं। एंड यू आर राइट सर, दिस इज माई लीनियज, दिस इज माई इनहेरिटेंस एंड दिस इज माई मॉरल स्ट्रेंथ। एक ब्लैंक चेक वाली गलती करने के लिए कौन कौन तैयार है उन लोगों को मारने के लिए, मुझे ये जो एक्स्ट्रा पावर मिलती है ना, वो इसी फोटो की वजह से है। ऐसा निडर इंसान होने के लिए बाप से पैदा होना जरूरी है। निरंजन, अब आपने अगर मेरे पापा के बारे में एक शब्द भी बोला तो वो दिन आपका लास्ट होगा। यू विल कर्स द डे यू आर बॉर्न। अगर कमिश्नर साहब ने कहा है तो हमें उदय भानु को छोड़ देना चाहिए सर। रजिस्टर किया केस फाड़ कर फेंक दोगे क्या? बोलो सर। वो मिस्टर श्रीनिवास, आप मुझसे बड़े हैं उम्र में और अनुभव में भी। यह करप्शन नहीं है, बट आई मस्ट टेल यू, आप जैसे लोग ही हमारे फोर्स को प्रॉब्लम देते हैं। बड़े अधिकारी ने आदेश दे दिया है तो बस उसे पूरा करो, क्योंकि रिटायर होने में आपको मात्र 3 साल बचे हैं और आपको उसकी चिंता करनी है। आपसे कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए सर, ये तो मैं अपनी नौकरी के अनुभव के हिसाब से कह रहा था सर। अनुभव के लिए नौकरी की जरूरत नहीं होती, आप मेरे पिताजी को जानते ही हैं। वो छोड़ो। एलेक्स सर, उदय भानु को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने के लिए आज तक सुबह से हमने प्रीमियम कार का शो देखा है। There were also some phone calls from the very influential and affluent. इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उदय भानु का मुखिया प्रमोद सुभाष है सर। प्रमोद सुभाष उस अकेले का ऑपरेशन नहीं है, वो सिर्फ पार्टनर है, अ पार्टनर इन क्राइम। जय प्रताप, अ हाई प्रोफाइल मेट्रो थग। और ये दोनों उदय भानु को ले जाने के लिए आए थे, ये तो हमें समझ में आता है। उसके इल्लीगल बिजनेस का किंग पिन है उदय भानु। लेकिन उनके साथ एक और आदमी भी फोर्ट पुलिस स्टेशन आया था, जो शहर का सबसे बड़ा पैसे वाला है, साइमन पाम ग्रोव। दिस ट्रायो ऑफ जय प्रताप, प्रमोद सुभाष एंड साइमन पाम ग्रोव इज रियली पजलिंग एंड हाईली इंटरेस्टिंग। So we are going to go after them. Start working on that connection. Sir. Why civil service? That's the question. Answer me. Come on. Respond. To serve the people. I mean society. Then go and join the charity organization और वहाँ समाज सेवक बन जाओ। Why you sit here and rot here? Civil service समाज सेवा करने के लिए नहीं है जो तुम समझते हो। The call of power, शासन करने की ताकत तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे अपमान के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें समाज सेवा करनी है तो उसके लिए सिविल सर्विसेज नहीं है। That's why this hard talk. जब मैं ADGP इंटेलिजेंस में था तो मुझे सच्चाई और अधिकार भूल जाने के लिए मजबूर किया। उस समय मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और मैंने 2 लाइन में अपना त्याग पत्र दे दिया। बाल गोपाल IPS अब यहाँ तुम लोगों को सिर्फ बैकबोन डायनेमिक्स पढ़ाने के लिए ही है, क्योंकि मैंने अपनी लंबी सर्विस में इन 2 आंखों से बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स देखे हैं, काबिल ऑफिसर्स। आई एम अ गिफ्टेड जज ऑफ टैलेंट। इस कोर्स के पूरा होने से पहले जान लूंगा कि आप लोगों में से कितने अच्छे बैकबोन ऑफिसर्स बनेंगे। एंड आई नेवर गो रॉन्ग। यू सी हियर इज एन एग्जाम्पल।
निरंजन, द डेयरिंग फोर्थराइट डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये यहीं इस कुर्सी पर बैठा करता था। ट्रेनिंग शुरू होने के 3 दिन बाद ही मैं जान पाया कि ही इज अ सॉलिड मेटल। ये यहां आते हैं, इस बात की खबर बाहर लगी तो जानते हैं क्या होगा। एक अच्छी न्यूज बन जाएगी कि डिप्टी कमिश्नर एक प्राइवेट क्लास लेते हैं। बट यू कैन विश देम लक निरंजन, व्हाई नॉट। मैं आपको एक बात बताता हूं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। सिर्फ खुद पर भरोसा रखो और अपना विश्वास कभी मत तोड़ो। एंड ट्रस्ट हिम, ही विल टेक यू अलोंग द राइट पाथ। ये इस संस्था के प्रचार के शब्द नहीं है, ये मैं खुद का अनुभव बता रहा हूं। सो दैट्स इट। लंच के बाद अगली क्लास डॉक्टर अंसारी लेने आएंगे। हैव फन, हम फिर कल मिलेंगे। कॉफी एंड सैंडविच, ठीक है ना? या मैं सोच रहा था कि तुम अपने पिता से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गए। वो एकदम निर्दोष थे, उच्च अधिकारी जो बोले सिर्फ वही करना पड़ता है, बल्कि अपराधी भी मजबूर कर देते हैं सर्विस छोड़ने के लिए। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारे पिता की मदद नहीं कर पाया। मैं जानता हूं सर, यू टोल्ड मी दिस मेनी टाइम्स। मेरे पिताजी अकेले रहने की वजह से बीमार रहने लगे हैं। आई एम वरिड। मैंने उनसे कई बार कहा लेकिन सुनते नहीं है। हवाला करने वालों की मदद करने की वजह से उन्हें सर्विस से निकाल दिया गया था। कहीं मेरा भी अपमान ना हो इसलिए वो मेरे साथ नहीं रहते। सदाशिव से मैं बात करता हूं। नहीं सर, फायदा नहीं है। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुमसे बात करने के लिए बोला है। ही बिलीव्स मैं बोलूंगा तो तुम जरूर मानोगे। ही वॉन्ट्स यू टू गेट मैरिड। क्या हुआ, नहीं करोगे? पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ जाओगे पहला प्यार सबका टूटता है। वो भी कॉलेज के दिनों में। उसकी वजह तुम्हारे पिताजी खुद को मानते हैं। उस केस की वजह से जब उन्हें डिसमिस किया गया और उसके घर वालों ने तुमसे जब रिश्ता तोड़ दिया था तो उस समय। सर लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स। ओके ओके ओके, नाउ टू योर फेवरेट टॉपिक, इन्वेस्टिगेशन। साइमन पामग्रोव और लैंड माफिया, स्ट्रेंज क्यों? सर आप तो जानते हैं कि इस शहर और इसके आसपास सब जगहों पर गलत धंधों को चलाने वाला प्रमोद सुभाष और जय प्रताप है। मिट्टी चुराना, जमीन, हवाला, सुपारी, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, उनमें सिर्फ इन दोनों का ही हाथ होता है। और अब साइमन पामग्रोव के साथ ये दोनों भी पार्टनरशिप में हैं। नाउ दैट्स अ रीसेंट डेवलपमेंट। इस साइमन पामग्रोव के बारे में कुछ पड़ताल किए हो? या वो एक नंबर का बेवकूफ आदमी है। डोप एडिक्ट, कोकेन, हैशिस, हेरोइन, बूज एंड गर्ल्स, इट्स अ क्लीशे स्टोरी। 7,500 करोड़ वाली पाम ग्रोव ग्रुप का मालिक। बिजनेस में उसे आगे तो नहीं ला पाए लेकिन दिल्ली मुंबई में रख रहे हैं इस प्रोडिगल सन को। साइमन 8 महीने पहले मुंबई में आया था। वो पाम ग्रोव ग्रुप के रियल इस्टेट सेक्टर में काम करता था। जमीन का सौदा करने में उसकी दोस्ती सुभाष और जय प्रताप से हुई। ऑल सेड एंड डन, साइमन पाम ग्रोव इज अ ब्रिलियंट बिजनेसमैन। लेकिन सुभाष और जय प्रताप ये दोनों हमारे लिए सिरदर्द है। सो व्हाट्स द प्लान ऑफ एक्शन? मैंने साइमन का पीछा करने का फैसला किया है सर। बस मुझे एक सुराग मिलने की देर है, उसके बाद तो मैं खुश जाऊंगा। तब तो जल्दी तुम्हारे और कमिश्नर के बीच एक ड्यूअल रूटीन अफेयर होने वाला है। पहले से ही ऐसा चल रहा है सर। फिर तो मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। नौकरी छोड़ने के बाद से मैं एक बिजनेसमैन बन गया था, एक्सेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज का। और वैसे भी मैं स्पोर्ट्स काउंसिल और क्रिकेट एसोसिएशन में काफी जाना माना हूँ। आई हैव माई ओन सोर्सेज एंड आई टेल यू, 2-3 दिन के अंदर साइमन पामग्रोव पूरे शहर में एक हंगामा करने वाला है विद समथिंग सेंसेशनल। ऐसी क्या बात है सर? जस्ट वेट एंड सी। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, उसके लिए प्रेस मीट है। पामग्रोव बिजनेस एक्टिविटी के बारे में आप सब तो जानते ही हैं। वी आर इनटू फाइनेंस, रियल एस्टेट, होटल्स, रिजॉर्ट्स, सॉफ्टवेयर्स एटसेट्रा। हमारी नई कंपनी आई हैपन टू बी इट्स एमडी, न्यू होराइजंस। हम लोग अब ज्यादातर स्पोर्ट्स में पैसा लगा रहे हैं। नेशनल क्रिकेट लीग में मुंबई से अपनी टीम, अब यही मेरा लक्ष्य है। अगले महीने तक सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। इस बिजनेस में तो पहले से ही बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। यू आर राइट। सी दिस इज द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन। यहाँ वही टिक सकता है जो फिट है, एंड वी आर गोइंग टू बी द फिटेस्ट। एक केंद्रीय मंत्री भी इसी पर्पस की वजह से यहाँ आने वाले हैं। लेट हिम, बट कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास ही होगा। आई टेल यू, मुंबई की टीम आने से हमारा बहुत फायदा होगा।
लेकिन आप और आपके परिवार में इस विषय पर मतभेद हैं, तो क्या वो इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार होंगे? That's none of your business, मिस्टर. सर. That's all. Just a minute. अभी हमारे सवाल बाकी हैं. हाँ हाँ, मुझे भी जवाब चाहिए. I have a question. सर. 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 आपने जवाब नहीं दिया. सर. 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 हेलो टाइगर कॉलिंग सर. हेलो टाइगर कॉलिंग सर. जू साइड पर कोई परेशानी तो नहीं है? नथिंग सर. मैं बाईपास पर हूँ सर. टेक्नो पार्क के पास हमने जो राजस्थान नंबर की गाड़ी पकड़ी थी उसका क्या हुआ? हम उसी को ढूंढ रहे हैं सर. ओवर एंड आउट सर. हे Hey! Stop the car! Control room. Yes, sir. DCP Niranjan. Yes, sir. I want an ambulance and send a party. Yes, sir. Kahan bhejni hai? Pune Lonavala bypass. Okay, sir. Turn left at the third signal. Yes, sir. Yeah, make it fast. Okay, sir. Simon? Are you Simon Pandru? What happened? What happened? Who did this to you? Mira. Kya hua? Mira. Come on, Simon, tell me. Kya hua? Tell me what happened. Mira. Mira. Spa. Simon. 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 नेशनल क्रिकेट लीग के लिए मुंबई की टीम पर इन्वेस्टमेंट करेगा, ये कहा था प्रेस मीट में. उसके ठीक 10 घंटे बाद साइमन का मर्डर हो गया. सो इट हैज बीन हिट इन नेशनल मीडिया लाइक एनीथिंग. वरना पाम ग्रूव जैसी मशहूर कंपनी के अचीवमेंट्स को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं. आई एम सपोज टू गिव ए रिपोर्ट टू द मिनिस्टर विद इन डेज. इस केस के डायरेक्ट फिजिकल इन्वेस्टिगेशन को मैं निरंजन को सौंपता हूं. Yes, sir. But sir, जब ये घटना हुई थी उस वक्त मैं यही था. I will get a breakthrough very soon, sir. Come on, Manmohan. मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा. ये जवान है ना, इसे भाग दौड़ करके ग्राउंड वर्क करने दो. And you will report directly to me. Yes, sir. हाँ. निरंजन, साइमन ने मरने से पहले तुमसे क्या बात की थी? कहा तो था, लेकिन वो क्लियर नहीं था. जब मैंने पूछा कि तुम्हें किसने मारा, तो वो बोला कि मीरा स्पा. ये कहा उसने. मीरा स्पा, स्ट्रेंज. एनीथिंग एल्स? घटना स्थल से मुझे एक टूटा हुआ मोबाइल मिला. अनफॉर्चुनेटली द सिम कार्ड आल्सो वाज डैमेज्ड, पर सिम नंबर से एड्रेस का पता लगा सकते हैं. मैंने साइबर सेल से कह दिया है. दैट इज गोइंग टू बी वाइटल. इट इज. जब मैं उस घटना स्थल पर पहुंचा, तब मैंने देखा कि दो आदमी साइमन के पास से भाग रहे थे. वो शायद प्रमोद सुभाष और जय प्रताप ही थे. इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो लोग गोवा से बुलाए गए थे. वी आर आफ्टर देम. प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद करीब 1:30 बजे साइमन, सुभाष और जय प्रताप उनके बाकी के दोस्तों के साथ बाहर आए थे, और वहां से वो लोग एक रिसॉर्ट में प्राइवेट पार्टी के लिए जाने वाले थे. साइमन और सुभाष सुभाष की गाड़ी लेकर ही गए थे. जय प्रताप बाद में अपने दोस्तों को विदा करके साइमन की गाड़ी के पीछे गया था. उस समय रिसॉर्ट की ड्यूटी पे जो स्टाफ था उसने मुझे बताया. तो तुम्हारा शक जाता है जय प्रताप और प्रमोद सुभाष जैसे आदमियों पर? हम ऐसा नहीं कह सकते सर,
इस केस में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। लाइक साइमन के अंतिम शब्द, उसने जयप्रताप या सुभाष का नाम नहीं लिया और गाड़ी के पिछली सीट पर खून फैला था। साइमन को चाकू गाड़ी में 5-7 मीटर पहले ही मार दिया था जब वो लहूलुहान हुआ था। उसके बाद उसके पीछे की सीट लाल हुई, उसके बाद उसकी छाती पर 3 वार किए गए फ्रॉम द सेम वेपन, लेकिन जो गर्दन पर वार हुआ था देयर इज अ रेजर शार्प स्लिट। हे डोंट बी सिली, अगर 2 से ज्यादा आदमियों ने हमला किया होता तो निशानों में अंतर होता। ऐसा नहीं है सर, पेट पर जो वार हुए हैं वो रैंडम तरीके से हुए, एक अचानक क्रूड हुआ अटैक, लेकिन गर्दन पर जो निशान है दैट इज अ कैलकुलेटेड पर्पसफुल स्लैश। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि 2 अलग-अलग सोच वाले इंसानों ने साइमन का खून किया है, और देखा जाए तो जयप्रताप और सुभाष की सोच में उतना खास अंतर नहीं है सर। निरंजन, मैं तुम्हारे सोचने के तरीके से सहमत नहीं हूं। आई बिलीव योर इंस्टिंक्ट, बट आई वांट अ ब्रेक थ्रू सो बैडली। वी विल मेक इट हैपन सर। देन बकल योर शूज एंड रन। यस सर। हाँ। सर, प्लीज सिट डाउन। क्या हुआ विजय? नंबर की पहचान तो हो गई है सर। कार्ड के लिए जो एड्रेस दिया था वो ये है, राजमोहन वेलंकनी रोड पश्चिम इरला मोड 695505। अभी इस नंबर पर कोई रिसेंट कॉल आया क्या? आया था सर, आउटगोइंग और इनकमिंग रिपोर्ट यहाँ है सर, पहचान कर ली गई है। गुड वर्क विजय। सर श्रीनिवास। सर राजमोहन के नाम पर ये जो कनेक्शन था उसे कौन यूज करता है ये हमें पता लगाना है, या फिर उसके फैमिली में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड किस्म का आदमी है या नहीं ये देखना है। सर ये भी तो हो सकता है कि ये फोन किसी ने हमें परेशान करने के लिए किया हो। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। जैसा कि तुमने कहा कि ये जो राजमोहन है वो पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता है, तो जाओ उसे ढूंढो और उससे बात करो। सर सर ये है मोहन विजय, राजमोहन का बेटा, यही उस सिम को यूज कर रहा था। ये प्रमोद सुभाष की गैंग का है, ये लिस्टेड क्रिमिनल है। क्या हुआ सतीश? सर ये अभी पकड़ा गया है, अभी अभी खबर मिली है। सर मैं आए या सर सर ये जोशी है, ये एक लिस्टेड क्रिमिनल है, कॉन्ट्रैक्ट किलर, पिछले साल आरके ज्वेलर्स में हुए मर्डर में इसका ही हाथ था सर, जिसे हमने करीब करीब बंधक बना ही लिया था, लेकिन ऊपर से फोन आने की वजह से हमको इसे छोड़ना पड़ा, है ना? हाँ। ये पारमार सुभाष और जय प्रताप के साथ मिलकर काम करता है सर। एलेक्स सर, इस आदमी और मोहन विजय के बीच क्या कनेक्शन है? सर 4-5 दिन पहले ही मोहन विजय को कॉन्ट्रैक्ट किया था, और मोहन विजय अपने साथ आसपास के 14 लड़कों को लेकर रूपाली लॉज में मीटिंग की थी सर उसने, कुछ बिग स्केल ऑपरेशन के लिए सर। परसों शाम करीब 6:30 बजे उन लोगों ने रूम खाली किया और गाड़ी में बैठकर कहीं चले गए, लेकिन अभी सब गायब है सर। परसों का मतलब है मर्डर होने के दिन। सो वी आर ऑन इट। एलेक्स सर, तुम उसके साथ आए 14 लोगों का पता लगाओ विद द सेल नंबर्स। सर अगर कोई मोबाइल एक्टिव मिला तो लोकेट द टावर। सर एंड सतीश सर, यू फोकस ऑन दिस व्हीकल्स, वर्कशॉप्स पर, फ्यूल पंप्स पर और टायर वर्किंग की छोटी दुकानों पर, सब जगह पूछताछ करो, एंड मेक श्योर दैट यू टॉक टू द लोकल पीपल, हमें उन्हीं लोगों से ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। सर तुम दोनों के एक्टिविटीज को श्रीनिवास कोऑर्डिनेट करेंगे, एंड यू रिपोर्ट टू मी। सर सो गेट गोइंग। सर था उसका यह आखिरी शब्द, मीरा स्पा। स्पा मतलब क्या? वही जो ब्यूटी पार्लर में होता है ना? नॉट रियली, इसका वास्तविक मतलब तो स्टीम बाथ, स्विमिंग पूल से ही होता है, यानी कि हेल्थ क्लब। लेकिन आजकल तो सभी ब्यूटी और हेल्थ रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर भी अपने आप को स्पा बताते हैं। ओह श्रीनिवास जी। सर शहर में जितने भी स्पा है सबकी डिटेल निकाल लीजिए, एंड सी इफ देयर इज वन कॉल्ड मीरा स्पा। सर
हे परमपिता, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और इनकी आत्मा को शांति देना। हे मेरे ईश्वर, इनके सारे गुनाह को माफ कर और इनकी सहायता कर। हम सभी आपके पुत्र हैं ईश्वर। आमीन, आमीन। Yes. You are going to airport, ma'am? Yeah. Sorry, you can't go now. Car aage lo. Hey, what's happening? Meghna Gupta. A102 Palm Court, Malad West, Mumbai. May I know? What's all this? I'm DCP Niranjan. मुझे आपसे साइमन पामग्रोव के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। आई एम इन्वेस्टिगेटिंग इस मर्डर। आपके और साइमन के बीच में रिश्ता क्या था? He was my boyfriend. Oh. So, what do you do in Mumbai? I do events for the corporate. साइमन का फ्यूनरल उसके मरने के चार दिन बाद हुआ था, तो आप पहले क्यों नहीं आई? टेल मी। मैं दुबई में थी, कल ही मुंबई पहुंची। ओह, यू वर इन दुबई? मैम, आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीटली कोऑपरेट विद अस। आपके और साइमन के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या? आई मीन, वॉज देयर एनी सॉर्ट ऑफ ट्रबल बिटवीन यू एंड हिम? ओके, things were all good between us. In fact, we broke up 3 months ago. Why? He was a difficult character. Pagal tha wo. And there were a lot of girls. Maine bahut koshish ki. But things didn't work. Oh. Funeral mein jo aadmi aaya tha, wo kaun tha? Jise dekhkar aap kafi dari hui lag rahi thi. Tell me. Martin Dinkar. That's his name. Yeah. I checked him out. A Dubai-based underworld don. आप उससे क्यों डरते हैं? साइमन को मार्टिन ने एक बार उससे पहले भी धमकाया था। जो प्रॉपर्टी मार्टिन को चाहिए थी, उसी को साइमन ने आउटबिट करके खरीदा था। और उसी डील को सेलिब्रेट करने के लिए साइमन बुक्ड अ पब एंड ही थ्रू अ स्मॉल प्राइवेट पार्टी विद अ सम सॉन्ग एंड डांस। आई कांट फॉरगेट दैट डे। उसके बाद साइमन और मार्टिन के बीच में और कुछ हुआ था? समथिंग स्ट्राइकिंग? या साइमन और मार्टिन ने फिर एक प्रॉपर्टी के लिए बिट की और इस बार साइमन का रियल स्टेट एजेंट ही गॉट शॉट और मार्टिन को वो प्रॉपर्टी मिल गई। तभी साइमन ने फैसला किया कि वो मुंबई छोड़ देगा। हैज साइमन एवर मेंशन अ स्पा नेम्ड मीरा? मीरा स्पा? No,
Never. Why do you ask? No, nothing. क्या आपको लगता है कि साइमन का मर्डर शायद मार्टिन ने किया होगा? Please, please keep me out of this. Simon is someone I loved and lost. सर, जोशी के साथ मोहन, बिजू, सतीश सबके ठिकानों का पता चल गया है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। वो लोग हार्बर में ही हैं। वो जोशी का एरिया है सर। You can take the 3:30 flight. Let's hope we will not have to meet again. Thank you.
सारी हड्डियां तुड़वा रहा है। साले हमारे पास बहुत मजबूत एविडेंस है, तू बच के नहीं जा सकता। 9349922065 ये सेल नंबर तेरा ही है ना? बॉलर है, जोर से बॉल। हाँ मेरा। तेरी माँ के नाम पर तेरा मोबाइल कनेक्शन है? हाँ। तब तो ठीक है। अब ये बता, ये घटना कैसे हुई? मैंने किसी को नहीं मारा सर। पैरों से बांध कर उल्टा लटका इसको। नहीं सर, मैं बताता हूँ क्या हुआ था भाई। अरे तुम कुछ भी नहीं जानते हो। जब तुम्हें पुलिस ने सबूत के साथ पकड़ा तो तुम्हें बता देना चाहिए था कि क्या हुआ, बाकी सब कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए और इतनी पिटने की नौबत भी नहीं आती। करेक्ट, लगता है तुम्हें इस बारे में बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ थोड़ा बहुत है सर, 1996 से इस खेल में जो हूँ। श्रीनिवासन सर मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। जब इसने हादसे की जगह पर मोबाइल खो दिया तभी मैं समझ गया था कि हम अंदर जाने वाले हैं। ओह, तो तुम बताओ साइमन को मारने की सुपारी तुम्हें किसने दी थी? नहीं सर, उसे मारने के लिए हमें किसी ने सुपारी नहीं दी, ये सब तो इसकी नासमझी से हुआ था। क्यों रे साले, नई कहानी सुना रहा है? तू बता। सर, आदर्श नगर में एक नया बार खुला था, 7 स्टार, जिसके मालिक शशिधर को मारने की धमकियां आती थी। उसके पुराने पार्टनर जेम्स ने उसे मारने की सुपारी दी थी, वो मुझसे अपना प्रोटेक्शन चाहता था। मेरी पॉलिसी है कि जिसने सुपारी दी है सबसे पहले उसी पर अटैक करो ताकि वो चुप हो जाए। 2 दिनों बाद वही रुककर मैंने 14 बंदों का जुगाड़ कर लिया जो सिर्फ मेरी सुनते थे। बाद में लॉज से बाहर आकर हम 3 गाड़ियों में निकल गए। उस समय रात तकरीबन 1 बजे हम जेम्स के घर के लिए चल दिए। बीच रास्ते पर हमारी एक गाड़ी खराब हो गई तो बाकी गाड़ियां भी वही रुक गई। सभी लड़के रोड पर गाड़ी को ठीक करने में लगे थे। उसी समय बहुत तेजी से एक स्कॉर्पियो गुजरी। एक बाइक वाले को टक्कर मारकर वो रुके बिना भाग रहा था। हमने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, इसलिए हम सब लोग अपनी गाड़ियों को लेकर उसका पीछा करने लगे। ए चलो बैठो, ए चलो उसका पीछा कर। ए भारा, चल भारा। सवाल का जवाब दे नहीं तो तुझे छोड़ो मुझे। और उस समय मोहन शराब के नशे में धुत था। वो गाड़ी में अंदर बैठा हुआ सब देख रहा था। जब आवाज तेज हुई तो वो गाड़ी से बाहर निकला। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ो मुझे। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अबे ये क्या किया तूने? चल निकल यहां से। रियाज हसन मंजिल, 4 बंगला माडा, यह तुम्हारा ही एड्रेस है ना? जी हाँ। तुमने इसकी पूरी बात सुनी ना? जैसा कह रहा है वैसे तुम्हारी बाइक की उस स्कॉर्पियो के साथ टक्कर हुई थी क्या? एक्सीडेंट में तुम्हें कहीं चोट नहीं आई? हाथ पैर में थोड़ी चोट लगी थी बस। तो तुम्हें हॉस्पिटल कौन लेकर गया था? इसकी गैंग में जो संजीव भाई है वही मुझे अस्पताल लेकर गए थे। जनरल हॉस्पिटल लेके गए थे सर। और कुछ बताना है? पता साले, सब कुछ सच है, इसने सब कुछ आपको बता दिया। उस दिन मैंने बहुत पी हुई थी, बिना सोचे मैंने मार दिया। एलेक्स सर, टेक देम आउट। कॉन्ग्रेट्स निरंजन, सो द केस इज ओवर इन देयर गॉट टाइम। गुड सर, इसके बारे में डीजीपी और मिनिस्टर को बता देते। नो सर, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। उनके स्टेटमेंट और केस के फैक्ट्स आपस में मिल नहीं रहे। जस्ट कीप क्वाइट, उन लोगों ने जो कहा सब सच है, किसी ने अलग नहीं बताया। इट वाज अ रैंडम किलिंग कमिटेड ऑन इंपल्स। जस्ट वाइंड अप द केस राइट नाउ। नहीं करूंगा सर, मैं इस केस को ऐसे वाइंड अप नहीं करूंगा। निरंजन, यू नो वेरी वेल, जब क्रिमिनल पूरी तरह से अपनी गलती मान रहा है
तो इतनी लंबी तहकीकात करने की जरूरत क्या है? मैं जानता हूँ सर, लेकिन अभी हमने जो भी सुना वो मनगढ़ंत कहानी भी तो हो सकती है। Then you prove it, निरंजन, but you don't have time. इसके बाद कोई दूसरी थ्योरी बनाने का चांस नहीं है। आई एम सॉरी। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से हमें साइमन के मर्डर का कुछ क्लू मिला है सर। ओके एलेक्स। सर, फ्रेंड्स के साथ अपार्टमेंट शेयर करने की बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। क्यों ना तुम YWCA में एकोमोडेशन की जगह देख लो। माँ, अब फ्लैट शेयर करना बहुत आम बात है, और वो भी बैंगलोर जैसे शहर में। मिस मीरा कृष्णदास, कहाँ जा रही हैं आप? ये बैंगलोर जा रही है, कोई खास बात? बैंगलोर में क्या है? वो सर, ये सवाल आपके लिए नहीं है। बैंगलोर में मुझे एक जॉब मिला है। नेम द फर्म। टैगसिस इंफरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड एज असिस्टेंट मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट। मे आई नो व्हाई दिस क्वेरीज? ओह, यू डोंट नो? ऑफ कोर्स आई डोंट नो। वेल देन टेक इट फ्रॉम मी, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तुम्हें करोलबाग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देनी है। सीआई एलेक्स विल टेल यू व्हेन। साइमन पामग्रोव की कंपनी की तुम वाइस प्रेसिडेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थी। तुम्हारे बीच साधारण मालिक और एम्प्लॉय का रिलेशन तो नहीं था। हमारे पास इसके सबूत हैं। निरंजन, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एंड यू कैन कॉल मी सर। जब तक हमारी इंक्वायरी चलेगी तब तक तुम हमारी निगरानी में रहोगी। इन अदर वर्ड्स, यू आर डिटेन्ड। तुम्हें परेशान किए बिना हमारा एक पुलिस वाला इस घर में रहेगा। सो एलेक्स विल कॉल यू। सो बदला ले रहे हो क्या? जो मेरे दिमाग में होता है वो मेरा शत्रु होता है। तुम मेरे दिमाग में हो ही नहीं। मैं कमिन सर। हाँ, कमिन। हाँ निरंजन, एन इंपॉर्टेंट मैटर। इस केस के सभी अपराधी पकड़े जा चुके हैं, इसीलिए सभी मीडिया और प्रेस वालों को बुलाना है, ऐसा डीजीपी का ऑर्डर है। बट सर, इट्स टू अर्ली। मैंने बताया था ना आपको, इस केस के बहुत सारी मिसिंग लिंक्स हैं। दैट्स अ क्रैप सर।
क्रिमिनल्स ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, सो द केस इज ओवर। नो, द केस इज नॉट ओवर सर। साइमन पामग्रोव के मर्डर के 45 मिनट पहले उसमें प्रमोद सुभाष और जय प्रताप का क्या स्पेसिफिक रोल था? प्रेस वाले अगर ये पूछेंगे तो इसका क्या जवाब होगा? इस केस में शुरू से ही परछाई की तरह लगा हुआ इंडियन क्रिकेट लीग फैक्टर, दुबई बेस्ड मार्टिन दिनकर है जो आजकल शहर में ही मौजूद है। टेक माय वर्ड सर, मीडिया के सामने हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। सर, हमारे डिपार्टमेंट का सेंसेशनल केस, जिसे सिर्फ अभी 6 दिन बीते और हमने सभी अपराधियों को पकड़ लिया, ये पुलिस वालों के लिए गर्व की बात है, स्पेशली चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के लिए सर। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मेरी वर्दी पर एक और सोने का मेडल लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है मनोरंजन, अब सॉरी मनमोहन, मैं जानता हूँ ये मीडिया वाले हमें चैन से बैठने नहीं देंगे, बट निरंजन, आई हैव नो चॉइस, आई हैव टू ओबी माय सुपीरियर्स ऑर्डर। यस, यू हैव नो चॉइस थॉमस। कभी मैं एडीजीपी था, इसलिए सिक्योरिटी वाले ने बिना तुम्हारी आज्ञा के मुझे अंदर आने दिया। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो सर, बैठिए ना सर। सो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? You seem to be tensed. साइमन पामग्रोव के केस में बहुत सी कड़ी बाकी है सर, लेकिन डीजीपी साहब एक प्रेस मीटिंग रखना चाहते हैं, डिस्क्लोजिंग ऑल द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। ऐसा मत करो, तुम मुसीबत में फंस जाओगे थॉमस। सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जो भी होगा हम सब मिलकर देख लेंगे। सुनो, यहाँ लोग वर्दी के स्टैंडर्ड को जानते हैं, इसलिए नीचे स्तर के लोगों का इस्तेमाल मत करो। सारी बातें आपसी सहमति से की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो ताकत का रौब दिखाते हैं ना। सर माइंड योर लैंग्वेज। चुप करो। सर प्लीज। सर तुम चुप रहोगे? सॉरी थॉमस, डिडंट मीन टू मेक अ सीन। मैं तुम्हारे घर शाम को आने ही वाला था। एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए मैं एक मेडिकल कॉलेज खोल रहा हूँ, आने वाले 18 तारीख से ओपनिंग कर रहा हूँ। थॉमस आपको जरूर आना होगा। जरूर आऊंगा सर। सुबह जब मैं होम सेक्रेटरी से मिला था तो डीजी ने तुमसे प्रेस मीट के बारे में बात की थी, इसलिए मैं सीधा यहाँ चला आया। थॉमस यू नो वेल, हमारे डिपार्टमेंट के लोग बहुत सिरदर्दी लेते हैं, जितना और कोई नहीं लेता है। सो कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार फिर से सोच लेना। यू गेट मी? आई डू सर। बोलना मत 18 तारीख को। मैंने सिर्फ 6 लोगों को ही बुलाया है। ही इज देयर इन द लिस्ट। मैं जरूर आऊंगा सर। जब मैं परेशानियों से घिरा हुआ था तो आपने मेरी बहुत मदद की थी, कैसे भूल सकता हूँ। हालात भले ही बदल गए हों, लेकिन मैं अब भी बिल्कुल नहीं बदला। थैंक यू सर। थैंक यू। चलता हूँ। आई विल सी यू सर। सर प्लीज अवॉइड द प्रेस मीट। आप चाहते हैं तो हम प्रेस नोट दे सकते हैं, अ केयरफुली वर्डेड प्रेस रिलीज। उस पर कोई भी सवाल या जवाब नहीं उठेगा। When DG says press meet, it's a press meet, निरंजन। सर कल जरूर कोई मिसफायर हो जाएगा। जब मीडिया सामने होगी उस समय हम अकेले होंगे। You will be crucified. मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। हमारी फोर्स को हमेशा एक निर्दोष आदमी चाहिए। इस बार मैं हूँ। मैं भी ज्यादा बेइज्जती नहीं झेल सकता। अगर ज्यादा हुआ तो उस आदमी की तरह 4 लाइन का लेटर लिखकर नौकरी को लात मार दूंगा। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं हूं सर। अपने उच्च अधिकारी के आदेश की वजह से आप प्रेस मीट में जरूर कह सकते हैं कि द केस इज ओवर, बट आई विल नॉट टेक इट। बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले किसी को पकड़कर उस पर फाइन मारना ही मेरा काम नहीं है सर, पुलिस वालों का काम। जैसा आपने कहा था, आई हैव बकल्ड माय शूज एंड स्टार्टेड द हंट। असली मुजरिम को ढूंढे बगैर मैं अपनी तलाश खत्म नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ आपका मॉरल सपोर्ट चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और आप तो जानते ही हैं सर कि मैं असली मर्द हूं। I will dare it out. Good afternoon, everybody. साइमन मर्डर में जो मुजरिम अरेस्ट हुए हैं, आप सब लोगों को आज यहाँ उसी के बारे में बताने के लिए बुलाया गया है। इस केस के बारे में पहले से ही पूरे शहर में ढेर सारी अफवाहें फैल रही हैं। आपके सामने वारदात का ब्यौरा देने के लिए आज ये प्रेस मीट रखी गई है। इस केस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जोशी और उसके 14 लड़के इस मर्डर केस से संबंधित हैं, जिसमें से साइमन को मारने वाला मोहन विजय नाम का लड़का गोवा का ही बाशिंदा है। सुपारी किसने दी थी? इसके पीछे इंडियन क्रिकेट लीग का कोई बिजनेस लिंक भी है क्या? कहीं पुलिस हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रही है ना? बात कुछ बताइए ना सर। बताइए सर। सर आप जानना चाहते हैं? बताइए सर। बताइए। प्लीज लिसन मी, मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था। यू
ये तो फिल्मी कहानी लगती है, इस पे विश्वास कैसे किया जाए? असली क्रिमिनल को कहीं पुलिस बचा तो नहीं रही है ना? So you mean it that Simon is a fresh killing? कोई बिजनेस दुश्मनी तो नहीं है? Nothing to do with the Indian cricket league. मैंने आपको बताया ना, these are the facts of this case. इसका मतलब साइमन को जब मारा गया तब वहाँ दो मशहूर लोग जयप्रताप और प्रमोद सुभाष भी थे, अभी वो लोग छुप रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? जब ये मर्डर हुआ था ये दोनों वहाँ मौजूद नहीं थे, जब ये बाहर आए साइमन मारा गया तो अरेस्ट होने के डर से वो छुप गए होंगे। जयप्रताप और सुभाष का इस केस से क्या लिंक है, इस बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, मोहन विजय ने कत्ल के लिए जिस चाकू का इस्तेमाल किया था वो चाकू हमने उसी के घर से बरामद किया था, सो इट्स ए कंक्लूसिव प्रूफ। डोंट मनमोहन, इट्स एन ऑफिशियल कंफर्मेशन इजंट इट सर? जो जवाब चाहते हैं हम लोग। यस यस राइट। पुलिस के लिए चाकू तो आपने ही बनाया था ना? हाँ वो मैंने ही बनाया था। किसके लिए? सिटी के एसआई साहब ने कहा था। सिटी के एसआई जॉन सैमुअल और दो पुलिस वाले यहाँ आए थे यहाँ पर चाकू लेने के लिए, जैसा कि नारायण ने हमें बताया, और उसके बाद ये चाकू उस क्रिमिनल के घर से बरामद हुआ जो पुलिस ने हमें बताया। मून स्टार न्यूज से कैमरामैन शंकर के साथ प्रसाद। तुम लोगों को आज यहाँ पर तुम लोगों की गलतियां बताने के लिए बुलाया गया है, किसी पर भी एक्शन लिया जा सकता है। सारे न्यूज़पेपर और चैनल में दिखलाया जा रहा है, जो हथियार मारने के लिए इस्तेमाल किया था उसे आप लोग खुद बनवाते हैं, ये सब कब बंद होगा? मुझे इन सारे सवालों का जवाब चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर दीपेन? सर, प्रेस मीट में आईजी ने गलती कर दी थी। थॉमस, यू विल हैव टू एक्सप्लेन। कुछ भी कहानी सुनाने से पहले आप लोग एक बार सोच लें, मंत्री को पाइल्स है या नहीं ये जानने के लिए आजकल प्रेस वाले हिडन कैमरा लगा देते हैं। अगर आप लोग सच भी बोलेंगे तो भी उन्हें झूठ लगेगा, क्योंकि पुलिस वालों के बारे में ये बात साबित हो चुकी है। सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने के बाद भी होम मिनिस्टर की इंसल्ट हो रही है। Who is responsible? Sir, I am responsible for what has happened. दरअसल मुझे ऐसे मीडिया को हैंडल करने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, एक के बाद एक सवाल करते ही जा रहे थे। आई थिंक आई जस्ट वेंट आउट ऑफ माई फीट। थॉमस, तुम जानते हो इससे हमें क्या नुकसान हुआ है? अपने राज्य के पुलिस वाले बहुत ही ब्रिलियंट, सच्चे और ईमानदार होते हैं। हमने अपना सम्मान खोया है थॉमस। Are you happy with what happened there, sir? तुम कहना क्या चाहते हो? A simple and obvious fact, sir. अब मैं जो आपको बताऊंगा अगर आपको पसंद नहीं आए तो मुझे माफ कीजिए सर। आज प्रेस के सामने हमारे डिपार्टमेंट की जो गलतियां और गलत तरीके बाहर आए हैं उसके जिम्मेदार अकेले ये आईजी थॉमस नहीं है सर। निरंजन, विल यू प्लीज शट अप? नो, आई विल नॉट सर, बिकॉज आई कांट टेक दिस शिट एनीमोर। प्रेस मीट में जो मिस फायर हुआ है उसकी जिम्मेदारी डीआईजी को भी लेनी चाहिए, बिकॉज इट वॉज हिज डिसीजन टू होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिर्फ जिम्मेदारी और अपने ऊपरी अधिकारियों का कहना मानना ही हम जैसे पुलिस वालों का काम है तो हम निडर होकर काम कैसे कर पाएंगे? How dare you? I dare because I'm daring. Damn daring. कत्ल का हथियार बनाना और उसे कातिल के घर में छुपाना जहाँ से वो पाया गया, चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईजी को ये पता ही नहीं था, क्योंकि इस केस को शुरू से मैं हैंडल कर रहा था। प्रेस मीट शुरू होने से दो घंटे पहले हमने ग्रुप डिस्कशन किया था और उसमें मैंने ये सब कुछ कहा था। A conspiracy hated and executed by the city police commissioner to protect someone behind the scene. Hey, इल्जाम लगाने से पहले सोच ले, बाप की तरह तेरी वर्दी भी उतरवा कर रहूंगा। मैं घर जाने से पहले अगर डिसमिस हो गया ना तो दोबारा आऊंगा और ये फाइल फिर से खोलूंगा। अगर इस बात पर यकीन नहीं तो अपने दोस्त लैंड माफिया उदय भानु से पूछ लेना, वो आपको बता देगा कि मेरा पंच कितना पावरफुल है। मुझे कहीं भी फंसाने से पहले इस शहर में अपने लिए एक कमरा बुक कर लो सर। जिंदगी बिताने के लिए एक बेड तो चाहिए ना। चुप करो, मेरे ही सामने क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग? नॉनसेंस। माफ कीजिए सर, बेवजह किसी बात के लिए किसी को चोट दी जाए तो आप उसका दर्द समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं भावुक हो गया था, बिकॉज माइन वॉज द आउटबर्स्ट ऑफ द ऑप्रेस्ड, ऑफ द ब्रूटली सप्रेस्ड। ऊपरी अधिकारी के अधिकार का इस्तेमाल करके केस को रफा दफा करना चाहते हैं कमिश्नर, सो आई हैव टू स्पीक समवेयर सम टाइम एंड इट्स हियर एंड नाउ। सर, आई अपोलोजाइज फॉर हिज बैड मैनर्स। हाँ ये सब तो ठीक है थॉमस, लेकिन वो तुम्हारी इमेज को तो बचा ही रहा है। थॉमस ने मुझे एक रिपोर्ट दी थी और उसमें तुम्हारे डाउट को मेंशन किया था। ऑलराइट, इन्वेस्टिगेशन होने दो, फिर उसके पीछे चाहे जय प्रताप हो या सुभाष हो, अरेस्ट करो सबको। सर, अगर उन्हें हमारी पार्टी बचाती है तो हमें बताना, सबको एक लाइन से कटघरे में खड़ा कर दूंगा मैं। सर,
और हाँ, मार्टिन डिनकन, उससे जरा संभल कर रहना, ही इज टू बिग टू डेंजरस। वन मोर थिंग, तुम लोग डिमोरलाइज मत होना। निरंजन, यू गो अहेड, मैं देख लूंगा जो कुछ भी होगा। यस सर। Hi, I'm Martin. Pleased to meet you. Good to see you here. मेरा होम मिनिस्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट है। उनको भी अभी बस दो मिनट पहले ही पता चला। I guess it's a call from the top. Really? I'm impressed. निरंजन, मेरे बारे में तुम पूछताछ तो कर ही चुके होगे, लेकिन वो सब बातें गलत हैं। मुंबई के कुछ पुलिस ऑफिसर्स, आई मीन स्मार्टेस्ट इन द फोर्स, इस तरह से कई बार वो मेरे पीछे पड़ चुके थे, लेकिन सम पॉइंट ऑफ द टाइम पता नहीं क्यों स्ट्रेंज वो गायब हो गए। जो लोग मुझे नहीं जानते वो जानने के बाद मुझसे डरने लगते हैं, एंड आई डोंट नो रियली व्हाई। इनफैक्ट मुझे उनके साथ मजा आता था, ट्रस्ट मी। मैंने कहा था ना, इट्स गुड टू सी यू हियर। यू नो व्हाई? क्योंकि मिनिस्टर के बात खत्म होने से तुरंत 15 मिनट बाद तुम सामने हो, जिसकी जानकारी मंत्री जी को भी नहीं है। इट शोज टू थिंग्स। नंबर वन, जिसने तुम्हें यह इंफॉर्मेशन दी है वो इस समय इसी बिल्डिंग में है। एंड नंबर टू, you are disturbed, badly affected by this investigation. Martin Dinkar इस नाम के पीछे मैंने तो बस आगे बढ़ना शुरू ही किया था, लेकिन तुम खुद भागकर यहां आ गए, इसीलिए मुझे साइमन मर्डर केस के सूत्रधार का पता चल गया। गलती कर दी मार्टिन, जल्दबाजी में यहां आकर तुमने खुद का भांडा फोड़ दिया। वरना तुम्हें देखकर मैं इतना भी समझ पाऊंगा कि तुम इस खेल के पीछे हो, ऐसा नहीं है। आई एम गेम, गेम फॉर एनी गेम, एंड आई एम डेयरिंग, ब्लडी डैम डेयरिंग। साइमन मर्डर केस में अब एक महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया है। साइमन की कंपनी में उनकी पूर्व वर्कर मिस मीरा कृष्णदास का सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है। उस लड़की से पूछताछ के लिए उस लड़की को यहाँ बुलाया गया है। किसी भी समय वो यहाँ आ सकती है। उनके बयान से इस केस में कुछ नया खुलासा सामने आएगा, ऐसा बताया जा रहा है। ओशिवारा पुलिस स्टेशन से अपने कैमरामैन सनी के साथ मैं रिपोर्टर राजेश। वकील साहब, प्लीज। नमस्ते सर। आप कौन हैं? मैं एडवोकेट उदय वर्मा हूँ। पूछताछ के समय यहाँ किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं यहाँ एक एडवोकेट की हैसियत से नहीं आया, मैं मीरा का मामा हूँ। शायद आपको याद नहीं, हम पहले भी मिल चुके हैं सर। निजी पहचान के यहाँ कोई मान्यता नहीं है। यू मे प्लीज गो आउट। सॉरी सर। एंड यू मे नाउ सिट।
थैंक यू। तुम कितने दिन तक साइमन पामग्रोव के एम्प्लॉय थी? 8 months। इससे पहले आप कहाँ काम करती थी? इससे पहले गोवा में थी और एक साल मुंबई में ही। यू कैन चेक दिस फोल्डर, मेरे सारे पर्सनल डिटेल्स इसमें मौजूद हैं। तुम्हारे और साइमन पामग्रोव के बीच कैसा पर्सनल रिश्ता था? What do you mean? You are not in a cyber chat room. सवालों के सही जवाब दीजिए। Explain this. इसकी वजह से ही मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। You see, Mr. Simon was a उसे टॉलरेट कर पाना बहुत मुश्किल था। He was into drugs and I said explain this. I was just coming to it. जब से मैंने ज्वाइन किया था तब he was acting funny with me. काम जारी रखने के लिए मैंने उसकी इन हरकतों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, लेकिन हर बार की तरह वो मुझे कैमरे में ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। इन एन ऑटो क्लिक कैमरा। मेरा? यस सर। कम हियर। ए ए स्टॉप इट। नो हे। बस उस दिन मैंने जॉब छोड़ने का फैसला किया और 2 दिन बाद मैंने अपना रिजाइन दे दिया। अच्छा, रिजाइन देते समय उसका रिएक्शन कैसा था? एक्सेप्ट ही नहीं किया, बहुत वायलेंटली रिएक्ट किया। फिर उसने बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। He was sick. फिर मैं वापस काम पर नहीं गई। Simon was planning to invest in the Indian Cricket League. तुम्हें उसकी जानकारी है? जानती हूँ। वो प्रोजेक्ट मैंने ही डिजाइन किया था। ओह, इस बारे में कभी कोई डेंजरस बात हुई थी क्या? हुई थी। क्या हुआ था? एक था मार्टिन दिनकर। Tell me, क्या हुआ था? एक दिन अनएक्सपेक्टेडली वो ऑफिस में चला आया। नेशनल क्रिकेट लीग में से साइमन को विड्रॉ करने के लिए कह रहा था और उसने धमकाया भी था। You better stay out of my business. Cricket is not your game, Simon. Else you won't have warning bells anymore. Is there any problem? You know something? He's dangerous. Really dangerous. So, Simon Martin से डर गया था? Yes. और मैं भी डर गई थी। और उसके तकरीबन 18वें दिन बाद Simon got killed. तुम लोग रेगुलरली किसी स्पा में जाते थे? स्पा? हम कभी किसी भी स्पा में नहीं गए थे। साइमन ने कभी किसी स्पा के बारे में तुमसे बात की थी क्या? आई मीन समथिंग लाइक हिज फेवरेट हैंगआउट। नहीं, सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है ये स्पा का बिजनेस। ऐसा उसने मुझसे कहा तो था, लेकिन अगर मैं वो बिजनेस करने के लिए मान जाती तो उसने मुझसे कहा था कि ही इवन नेम्ड इट मीरा स्पा। मीरा स्पा। तुम अब जा सकती हो, दोबारा बुलाने पर आना होगा। कैन आई गो टू बैंगलोर एंड टेक अप माई न्यू जॉब? नो, यू कांट गो। मीरा को पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे वो सवाल पूछे जिसके लिए वो जिम्मेदार थी। एग्रीड, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें उसकी दिमागी हालत का भी ख्याल रखना चाहिए था। इतना रूडली वो भी मीडिया के सामने और उसकी माँ के साथ उसे पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ करना, तुम्हें वो सब अलग रखना था। तुम चाहे इसे मानो या ना मानो, उसमें तुम्हारा कुछ पर्सनल दिखा। जब तुम्हें पता चला कि साइमन का उसके साथ रिलेशन है तो तुम्हें बहुत बुरा लगा। कैन यू डिनाई दैट? ऑफ कोर्स आई कैन। अगर तुम ये सोचो कि जो हुआ वो ठीक था, नाउ यू नो दैट शी इज क्लीन, शी इज अ रिस्पेक्टेबल इंडिपेंडेंट गर्ल एंड शी इज सिंगल इवन नाउ। मैं वो सब नहीं सोच रहा हूं सर। मार्टिन दिनकर ने क्रिकेट लीग के लिए साइमन को धमकाया था, उसकी एक ही विटनेस है and that is Meera, so she might be actually in danger. Lights on.
चलो अंदर जल्दी। अम्मी क्या कर रहा है? आजा चल चल। देख देख अंदर, उस तरफ देख, उस तरफ देख। ठीक उसी तरह साइमन के जो लास्ट शब्द थे मीरा स्पा। साइमन मीरा के नाम पर एक स्पा बिजनेस शुरू करना चाहता था, सो देयर हैज टू बी अ कनेक्शन। शहर के सारे स्पा सेंटर का अगर पता लगाया जाए साइमन किसी स्पा को ओवरटेक करना चाहता हो। नो नथिंग एट ऑल। पकड़ उसको, रुक जाओ, रुक। क्या कर रहा है? पकड़ उसको, पकड़ उसे। मार जल्दी। लेकिन मीरा। हेलो निरंजन। यस आई नीड योर हेल्प, प्लीज कम एज़ सून एज़ पॉसिबल। क्या क्या हुआ क्या? हे हे यू जस्ट रिलैक्स, आई एम ऑन माय वे। कौन था निरंजन? मीरा। मुझे जो शक था वही हुआ सर। हे निरंजन। हे पुलिस, पुलिस चलो भागो यहां से, पुलिस आ गई। चलो चलो स्टॉप, चलो यहां पे भागो। मीरा मीरा एक बार देखने के बाद तुम उन्हें पहचान सकती हो? नहीं, सबके चेहरे पर नकाब थे सर। हाँ एलेक्स, आपको कुछ देर के लिए यहां रुकना होगा, फिर सतीश को बुलाकर उन्हें ढूंढने के लिए बोलिए। सर। सर। यू डोंट हैव टू वरी, आई टेक केयर, आई टेक केयर ऑफ दिस। मीरा क्या हुआ बेटी? तुम्हारे फोन से तो मैं डर ही गया था। सर ये दोनों माँ बेटी बहुत डरी हुई है और इन दोनों का अपना कहने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैंने इस घर की सुरक्षा के इंतजाम कर दिए, अब डरने की कोई बात नहीं। देखिए मैं जानता हूँ अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं पहले भी कहता था जब मुझे ये बात मीरा के पापा ने बताई और मैं तुम्हारे पास आया था, किसी तरह ये रिलेशन खत्म कर दो। इसके रिश्ते की वजह से इसके पापा बहुत नाराज हैं, वो इसकी शादी करना चाहते हैं लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ी हुई है और अब तो इसने ये फैसला कर लिया है कि ये जिंदगी भर अकेली ही रहेगी। यहां जो भी हुआ उसके लिखित में कंप्लेंट अपने एसआई को दे देना। एलेक्स। सर। दिस इज ऑल योर्स। चलो। डीसीपी निरंजन। हेलो, लेट्स सिट देयर। आप सब थोड़े परेशान हैं मैं जानता हूं, लेकिन मैं कुछ जानना चाहता हूं। हो सकता है आपको इससे परेशानी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू गो थ्रू दिस। अब आगे क्या है पूछने के लिए सर? मेरे बेटे के खूनी को तो आपने ढूंढ निकाला। आई हैव सीन योर प्रेस मीट ऑन टीवी। केस ऑफ सीबीआई को दे देना चाहिए, अब हम कोर्ट जा रहे हैं। दैट्स अप टू यू, लेकिन मैं भी कुछ जानना चाहता हूँ एंड आई होप यू विल कोऑपरेट। यहाँ आने से पहले साइमन वॉज बेस्ड इन दिल्ली एंड मुंबई, है ना? सही कहा। वो कभी आपके साथ आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ था? Yeah, he was. लेकिन वो फुल फ्लेज्ड इन्वॉल्वमेंट नहीं देता था और उसके हिसाब से आप लोग उसकी तरफ नहीं जा पाते थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।
उसका इस केस से क्या मतलब है? ऑफिसर, मेरे बेटे के बारे में आपने जो कुछ भी सुना वो सब सच है। उसकी बहुत सारी बुरी आदतें थीं, लेकिन वो हमें बहुत प्यारा था। या, आई नो। दिल्ली अपना बेस शिफ्ट करने से पहले साइमन 2 साल के लिए पूना गया था। आप लोगों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को पर्सनली मैनेज करने के लिए मस्ट हैव बीन अबाउट 7 years back। तो फिर अचानक आपने उसे दिल्ली क्यों भेज दिया? MBA डिसकंटिन्यू करके वो घर आ गया था, इसलिए उसे बिजी रखने के लिए हमने उसे पुणे भेज दिया था। एंड ही वॉज टू यंग देन। फिर उसका टेस्ट रियल एस्टेट एंड फाइनेंस में जाने लगा, तो उसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया। नेशनल क्रिकेट लीग और अपने राज्य की क्रिकेट टीम उसने खरीदी थी, क्या इस बात की जानकारी थी आप दोनों को? प्लीज डोंट एडवाइज मी, आई विल डू व्हाट आई वांट। क्रिकेट में मैं पैसा लगाऊंगा। हम सारे काम तेरी इच्छा से नहीं करेंगे। आपकी परमिशन किसने मांगी? नहीं हो सकता है तो बोलिए। आई विल गो टू कोर्ट, दोनों में बंटवारा कर देना। द ग्रेट पाम ग्रोव ग्रुप विल बी स्प्लिट वर्टिकली। साइमन, चुप कर। ओह, यू वांट टू स्टॉप मी? देन डू इट। कल मेरी प्लेस मीट है, जस्ट एंजॉय द शो। इतना ही, हमारी इजाजत के बिना उसने वो फैसला लिया था। ओह, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग मार्टिन दिनकर को जानते हैं? नहीं, मीडिया के जरिए ही हमने उसका नाम सुना। आर यू श्योर? व्हाई? ऑफ कोर्स, आई एम श्योर। ओके। मिस्टर जोसेफ, क्यों बेकार में बिजनेस में कंपटीशन करते हो? व्हाई डोंट यू टॉक टू योर सन? मैंने कहा ना मिस्टर मार्टिन, ये उसका फैसला है, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। ओह, इज इट? देन लिसन, मुंबई की नेशनल लीग क्रिकेट टीम को सिर्फ मेरी कंपनी ही खरीदेगी। यू गाइस बेटर पैक आउट, और यू गाइस विल हैव सम रियल बैड न्यूज कमिंग योर वे। टेक केयर जेंटलमैन, टेक केयर ऑफ योर सन, एंड यू टेक केयर ऑफ योर ब्रदर। ठीक है, मार्टिन दिनकर को तो तुम लोग नहीं जानते, तो अब मेरा यहां कोई काम नहीं है। अब मैं चलता हूं। इस फोल्डर में मुंबई में जो फॉर्च्यून पैलेस है उसके कुछ बिल्स हैं, वो भी सिर्फ 2 हफ्ते पहले के। सीकिंग स्वीट, बोथ ऑफ यू स्टेड देयर फॉर अ डे, और उसी होटल में फॉरेस्ट के कॉफी शॉप में तुम्हारे और मार्टिन दिनकर के बीच एक मीटिंग हुई थी। सबूत है हमारे पास। CBI को केस देने से पहले हम लोगों को एक बार और मिलना होगा, एंड आई एम अफ्रेड दैट मीटिंग वोंट बी दिस फ्रेंडली। Morning. Can I join your breakfast? Wow. Toasted bread, fruit jam, butter, egg white, seedless. Nice. That's what I called a typical single man breakfast. Since I have forcefully shared your breakfast, I guess it's a good beginning. Can we become friends at least? Yeah, हम लोग तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार मिलने पर अगर कोई मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करता है तो दूसरी बार मिलने पर मेरे पास एक फ्लावर होता है। Remember we met at the funeral of Simon Palmgrove? I'm a bad guy, Niranjan. Very bad guy. Rest you can imagine. मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। Hey, इधर आओ। Show him.
कल भी तुम्हारे पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी, तुम्हें पता है जब मेडिकल कॉलेज में वो आए थे, ये वीडियो तब का है। एंड आई नो योर सीक्रेट, व्हाई यू स्टिल रिमेन सिंगल। हैव अ लुक। तुम दोनों के बीच की गलतफहमी जल्दी खत्म हो, भगवान से प्रार्थना करूंगा। अगली बार जब मैं यहां हूं तो मीरा तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करे, इट्स पॉसिबल निरंजन, बट शी हैज टू बी कीप क्वाइट। मेरे और साइमन के बीच हुए हादसे की इकलौती गवाह वही है ना? तुम साइमन के पापा और उसके भाई पर जितना प्रेशर डालना चाहते हो डाल लो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेंगे। देखो, तुम बेकार में मेरा पीछा करना छोड़ दो, और ये कहने के लिए मैं अगली बार तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। पता है मुझे कौन सा म्यूजिक बैंड सबसे ज्यादा पसंद है? गन्स एंड रोज़ेस। रोज़ेस फॉर यू निरंजन। मार्टिन दिनकर, तुम्हारी बातें, चलना बैठना मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, और तुमने मुझे डराया वो भी मुझे पसंद नहीं आया। इट्स टू मेलोड्रामेटिक, यू नो। तेरी माँ की तो ये गन्स एंड रोज़ेस। Do you dare shoot me? अगर मेरे पापा को एक खरोंच भी आई तो देख लेना, तेरा अंतिम संस्कार भी ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। तुझ जैसे लोग हमेशा दूसरों के डर पर ही जीते हैं, लेकिन मैं उस तरह का नहीं हूं। डर भी मुझे देखकर डरता है। मीरा तेरे खिलाफ गवाही देगी, एंड यू वोंट इवन टच हर फीट। यू डिड अ ब्लंडर निरंजन। I'll have the last laugh. सही कहा तूने, ये तेरी आखिरी हंसी होगी, लेकिन दोबारा हंसने के लिए तू नहीं बचेगा। Now get lost. आपने हमें क्यों बुलाया सर? वो इसलिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जब बाहर जाओगे तो शैडो पुलिस भी साथ में रहेगी। एलेक्स विल हैंडल इट। ये सब सुन के बहुत डर लग रहा है सर। अंकल आप चुप रहिए। सर मुझे बैंगलोर जाना ही होगा, ज्वाइन करने के लिए मैंने उनसे 2 दिन का टाइम मांगा था। नाउ द टाइम इज अप। I'm sorry, but you can't go. ठीक है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ। वो मार्टिन दिनकर मुझे फोकस क्यों कर रहा है? मैं उसके बारे में जो कुछ भी जानती थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, फिर मुझे इम्यूलेट क्यों किया जा रहा है? It's too late. तुम इनके साथ रहो। सर, I need to talk to her. सर, प्लीज। मीरा, दिस इज सीरियस, यू हैव टू बी केयरफुल। बट वाई? बिकॉज वो तुम्हारा पास जानता है। मीरा को दूर रखने की बात कह रहा था मुझसे वो।
I tell you, वो एक बहुत बड़ा कमीना है। हम दोनों के रिश्ते को वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। मैं मजिस्ट्रेट के सामने मार्टिन के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। Let him record it। उसके बाद मुझे बेंगलोर जाना होगा। More than a job, I need a change of place। इस शहर में रहने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता since we met। No, you can't go। मुझे जाना ही होगा। मैंने कहा था ना, मेरी जॉब छूट जाएगी। To hell with your job, Meera। You cannot go। You are under my protection। What did you say? I said you are under my protection। I love that। What? I always love that। Are you crazy? Yes, for you। तुम्हारे और मीरा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है सुनकर अच्छा लग रहा है। तुम लोग मेरी वजह से अलग हो गए थे, इस बात का बेहद अफसोस रहा है मुझे। और हाँ, काम के बारे में तुम्हें हमेशा सचेत रहना पड़ेगा। इस तरह के गर्म खून के साथ तुम पुलिस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। उनकी सुनो, तुम्हें उसकी जरूरत होनी चाहिए। आईजी थॉमस सर अपने फोर्स के एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम्हें उनकी एडवाइस को सुनना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो वो तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। जब आपको प्रॉब्लम हुई थी तो आपकी मदद किसने की थी? उस समय बाल गोपाल सर ने काफी कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुए। जब असली परेशानी आती है तो कोई किसी की मदद नहीं करता है, तब हमें खुद को बचाना होता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था बेटा। पिछले 3-4 दिन से घर के आसपास ये पुलिस वाले क्यों घूमते नजर आ रहे हैं? बात क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं भी एक पुलिस वाला रह चुका हूं, वो भी 29 साल। मैं सब समझता हूं। क्या हुआ एलेक्स? सर, प्रमोद सुभाष और जय प्रताप का पता चल गया है सर। लोनावाला के रास्ते पर ही है। वहां के कुछ लोकल गुंडों की मदद ली हुई है। बस एक मिनट, मैं अभी आया। ठीक है सर। अबे यार, पुलिस आ रही है यहाँ पे, भाग यहाँ से। अरे चलो भागो यहाँ से, जल्दी चल, जल्दी अबे जल्दी कर, चल चल। अरे चल तो भागो। Thank you.
कत्ल की उस रात क्या क्या हुआ था विद एवरी सिंगल डिटेल। क्रिकेट लीग में मुंबई की टीम का प्रेस मीट में अनाउंस हुआ, उसके बाद साइमन की तरफ से क्लाउड 9 रिसोर्ट में एक ट्रीट रखी गई। पार्टी यही कुछ 1 बजे खत्म हुई। साइमन ने जया और दोस्तों से कहा कि वो फार्म हाउस जा रहे हैं ईस्ट कोस्ट रोड पे। साइमन मुझे साथ ले गया क्योंकि वो अकेले ड्राइव नहीं करना चाहता था। बाय से छुटकर आता हूं। बाय। भाई भाई तुम गाड़ी मत चलाओ, तुम नशे में हो, मैं चलाता हूँ ना। रहने दो, मैं चला रहा हूँ ना। रोको भाई, मैं चलाता हूँ ना। Get out of the vehicle. भाई you swine, I'm your boss. Get out. भाई मैं तो Get out. भाई Get out. छे भाई Hey. हाँ हेलो। हाँ जय, तुम लोग निकल गए क्या? अरे वो पागल हो गया है, मुझे गाड़ी से ही उतार दिया। हाँ मैं रास्ते पर ही खड़ा हूँ। ओके जल्दी आना, जल्दी। ए वो कहीं ना कहीं तो गाड़ी जरूर ठोक देगा, चल उसका पीछा करते हैं। चल, 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 चल। इसकी गाड़ी में बैठने के बाद हम कुछ ही दूर गए होंगे तो मैंने देखा मेरी गाड़ी जिसे साइमन लेकर निकला था वो एक साइड में खड़ी मिली। हमने गाड़ी रोकी और बाहर निकले। साइमन 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ साइमन साइमन इसका तो खून लग रहा है यार, क्या हो गया तुझे? हाँ साइमन बोल, बोल ना साइमन। कोई आ रहा है, चल भैया। साइमन अरे छोड़ उसको, चल साइमन तू चल ना, चल चल। बस अनजाने में हम इस केस में फंस गए। अरेस्ट होने के डर से हम लोग वहां से भाग निकले। हमारा सीधे कोर्ट में सरेंडर होने का प्लान था। हम लोग इसके अलावा और कुछ भी नहीं जानते हैं सर, जो जानते थे वो सब आपको बता दिया। चाहे तो आप मेरे मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक कर लीजिए और अगर आपको डाउट हो तो मेरी कॉल डिटेल देख लीजिए। साइमन को तुम पर गुस्सा आया और उसने तुम्हें बीच रास्ते में उतार दिया, उसके कितने समय बाद जयप्रताप तुम्हें लेने आया? लगभग आधे घंटे बाद सर। ये सच है? हाँ सर। क्या तुम लोग मार्टिन दिनकर को जानते हो? हम नहीं जानते हैं। क्या हुआ सुभाष, अचानक रिएक्शन चेंज हो गया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। सर निरंजन हैज समथिंग इंपॉर्टेंट टू ब्रीफ यू। यस सर। जय प्रताप और प्रमोद सुभाष की पूछताछ से हमें कुछ अलग सा तो नहीं मिला। उन्होंने जो बताया मोर और लेस वो सब कुछ हम जानते ही थे, बट देयर इज वन डेवलपमेंट। टेल मी। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए प्रमोद सुभाष ने मुझे 2 बार कहा, सर आप मेरी कॉल लिस्ट चेक कर सकते हैं। दैट मेड मी क्यूरियस, सो मैंने उसकी कॉल लिस्ट निकाली। साइमन के साथ बैठकर जब वो गाड़ी में आया था तब से जब तक मर्डर हुआ तब तक 45 मिनट तक सुभाष का कॉन्टेक्ट सिर्फ जय प्रताप से ही था। कुछ प्रॉब्लम हुई तो साइमन ने सुभाष को बीच रास्ते में ही कार से उतार दिया था। यहां मुझे दूसरा मौका मिला। जब साइमन के साथ ये कार में गया था तब अगर सुभाष उसे मैसेज देना चाहता था तो उसका एक ही रास्ता था, अ वेरी यूजुअल मेथड। अगर आपको किसी को अलर्ट करना हो तो अपने फोन से एक मिस्ड कॉल कर दो, डायल करने वाले नंबर 1-2 रिंग के बाद कट जाए तो वो कभी कॉल लिस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर के लॉक फोल्डर में 14 दिन तक वो सारा डेटा अवेलेबल रहता है। सुभाष के मोबाइल की डिटेल लॉग मुझे साइबर सेल से मिल गई, page number 3 इन द फोल्डर सर। जब साइमन के साथ उसने चलना शुरू किया तब कुछ 1:21 हो रहे थे। उसने 9946509770 नंबर पर एक मिस कॉल किया था। सुभाष ने जिसको मिस कॉल किया था तुमने उस नंबर को ट्रेस किया? यस सर। RDX अनिल, अ हाई प्रोफाइल क्रिमिनल, उसे उसके मोबाइल पर सुभाष ने मिस कॉल किया। सर फर्जी जमीन और बॉम्ब के पार्ट की सप्लाई जैसे इलीगल ट्रांसपोर्टर से वो पैदा हुआ और बड़ा बन गया। रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक उसने RDX सप्लाई करना शुरू किया, फिर उसे लोग RDX अनिल कहने लगे। सुभाष के एक लैंड डील में अनिल का भी इन्वेस्टमेंट था। गोवा इंटेलिजेंस के साथ हम कनेक्टेड हैं सर। RDX अनिल इज मेंटेन्ड एंड सेव्ड बाय मार्टिन दिनकर। सर ये बात हमने आज तक किसी को नहीं बताई, अगर ये बात कहीं लीक हुई तो अनिल भाग जाएगा। निरंजन चाहता है कि वो इस केस को अकेले ही इन्वेस्टिगेट करके अनिल को पकड़े। आर यू श्योर यू कैन?
Yes, sir, I can. Then good luck. Thank you, sir. You are under arrest. Come with me. तुम्हारा और इस आरडीएक्स अनिल का क्या रिलेशनशिप है? जवाब दोगे सुभाष तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना इस केस में तुम दोनों का नाम डाल दिया जाएगा। मैं बताता हूं सर, जब मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता था तब मुझे बिना लाइसेंस के बारूद का सामान अनिल दिलाया करता था। तब से हम एक दूसरे को जानते हैं, उसके बाद हमने बहुत सारे बिजनेस एक साथ किए थे। बिजनेस से तुम्हारा मतलब लैंड माफिया और हवाला है ना? तो फिर सिटी में हथियार सप्लाई करना वो क्या है? जिस दिन मर्डर हुआ था तब साइमन जय प्रताप को छोड़कर तुम्हारे साथ जाएगा, यह तुम्हारा ही प्लान था है ना? ठीक कहा सर, इसी ने कहा था कि यह साइमन के साथ जाएगा सर। I'm all right. अजय सुन, मैं और भाई दोनों फार्म हाउस जा रहे हैं, तुम इनको छोड़कर वहां पर आ जाना। बाय, मैं गाड़ी चलाऊंगा। ओके बाय। साइमन के साथ जाने के बाद तुमने इसे एक मिस्ड कॉल किया था, अब बताओ उसके पीछे क्या प्लान था? कुछ मत बताए ने, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ सर, हमारे निकलने के बाद मैंने इन लोगों से कहा था कि मैं एक मिस्ड कॉल करूंगा, फिर जो हुआ। मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, मुझे प्यार हुआ। भाई मेरा एक दोस्त यहाँ इंतजार कर रहा है, थोड़ी देर गाड़ी रोको ना। दैट वन? हाँ वही। What's happening here? Move the car. Go! Go! Hello Jay, तू निकला क्या? हाँ भाई, तो पगला गया है, उसने मुझे गाड़ी से बाहर निकल दिया। मैं सड़क पर खड़ा हूं, कम फास्ट। ओके, तुमने जिसका इंतजाम किया था वो जोशी और उसकी टीम लगभग आधे किलोमीटर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, सही कहा ना? ठीक कहा सर, अनिल भाई ने मुझे ये आइडिया दिया था कि साइमन का मर्डर बिल्कुल एक नॉर्मल एक्सीडेंट की तरह लगना चाहिए। मैंने और जोशी ने प्लान किया था, साइमन को मारने के लिए उसने मोहन और विजय का इंतजाम किया था। जैसा आपने कहा था ठीक वैसा ही हुआ,
जोशी और उसकी टीम कुछ आधे किलोमीटर पर इंतजार कर रही थी। ड्राइव ऑन। Hey, what's wrong with you? Hey, leave me. Hey, तो फिर साइमन ने एक बाइक वाले को टक्कर मारी और तुम लोगों ने उसका पीछा किया। टेंशन में आकर मुलानी विजय ने उस पर छुरा भोंक दिया। आखिर क्या कहानी है ये? श्रीनिवास समझे नहीं आप? ये प्लान्ड मर्डर था, एक्सीडेंटल मर्डर नहीं था। अगर ये ऐसे कोर्ट में जाता तो इस पर कोई न्याय नहीं हो पाता। सर मुझे एक बात बतानी है सर। यस। साइमन के गले में जो घाव था वो मोहन विजय ने नहीं किया था, वो जरूर इसका काम होगा, अनिल का। जोशी के मिस हो जाने का बहुत बड़ा रिस्क था, इसलिए तुमने साइमन के गले पर वार किया और इनके हवाले कर दिया है ना? श्रीनिवास सर, साइमन को कार में छुरा भौंका तब वो आगे की सीट पर नहीं था, पीछे की सीट पर था। तुम लोग कितने भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन इस केस से तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम पर ताला लग चुका है, इसलिए अब बताओ तुमने उसे पीछे की सीट से बाहर निकाला था ना? जी सर। पीछे की सीट से निकलते समय उसकी गर्दन से खून बह रहा था सर। जैसा मैंने कहा था ठीक वैसे ही मोहन ने उस पर 3 वार कर दिए। So, जहां सुभाष उतरा था वहां से जोशी के इंतजार करने वाली जगह की यात्रा तक साइमन के गले पर चाकू का घाव बनाया और तुमने साइमन को पीछे की सीट पर डाल दिया और गाड़ी लेकर जोशी जहां इंतजार कर रहा था वहां चले गए। वहां पूरी तरह से पिया हुआ मोहन विजय मिला, उसने साइमन पर दोबारा वार किया। This is a stunningly intelligent crime. इसके पीछे कौन सुपर ब्रेन है ये मैं जानता हूं। The man behind you. Prove it in the court. Yes, I will. I'm going to take him and rip him apart. You're demigod, the one and only Martin Dinkar. इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स निरंजन मुझे बता चुका है। थॉमस, इट्स ऑल वेरी क्लियर। साइमन के कत्ल के पीछे थिंक टैंक मार्टिन दिनकर है। मैं जानता हूं सर, लेकिन हम इस केस के लिए उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। बट व्हाई सर? अभी तक तुम अपनी इंक्वायरी से 14 क्रिमिनल्स पकड़ चुके हो, जिसमें पहला कातिल मोहन विजय, दूसरा कातिल जोशी का कन्फेशन, इस केस से जुड़े 63 गवाह भी हैं। अगर हम ये चार्जशीट कोर्ट को दे देते हैं तो वो सच बाहर नहीं आएगा जो पुलिस बताना चाहती है, बल्कि इससे हमारी बेइज्जती ही होगी। सर पर डीजीपी और मिनिस्टर ने मुझे कन्फर्मेशन दी थी। सारे सीनियर्स के कन्फर्मेशन यहीं तक रह जाते हैं निरंजन, तुम्हें बहुत सीखना है। तो फिर सच से किसी को कोई मतलब नहीं, कोई जाना नहीं चाहता? सच्चाई और जजमेंट पुलिस के हाथों में कितना रहता है इसके बारे में तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। सर, साइमन मर्डर के पीछे प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन उस आरडीएक्स अनिल का ही था। साइमन की बॉडी और उसके गर्दन पर मारा गया वो डीप स्लैश वो अनिल के चाकू से ही हुआ था, जो प्री मेडिटेटेड किलिंग था और उसके बाद गैंग मर्डर के लिए उसे जोशी के पास सौंप दिया गया था। एंड अनिल डिड इट फॉर मार्टिन दिनकर। ट्रू निरंजन, तुम सच कह रहे हो, लेकिन उसने तुम्हारे सामने जो कहा है कोर्ट में जाकर बदल सकता है। जब हम एक कातिल को कोर्ट के हवाले कर देते हैं तो उसके चार्जशीट कोर्ट के हवाले हो जाती है, और उसी समय तुम किसी दूसरे को अरेस्ट कैसे कर सकते हो? डोंट बुलशिट थॉमस, ये सब टेक्निकलिटी छोड़कर तुम न्याय के बारे में सोचो। सर मार्टिन दुबई वापस चला जाए उससे पहले उसे कस्टडी में लेना चाहिए। वंस ही इज अरेस्टेड थिंग्स विल चेंज। सॉरी निरंजन, आई एम हेल्पलेस। डीसीपी निरंजन, कैन आई टॉक टू यू प्राइवेटली? Will you please come out? Excuse me, sir. तुम जिसे ढूंढ रहे हो मार्टिन दिनकर, तुम जानते हो वो कहाँ है? Now listen. Hey, निरंजन. Thomas, I tell you, he's damn frustrated. Thank you.
हाय, वेलकम। सो यू फाइनली कम निरंजन, थॉट यू वुड बी मोकासियस। इतनी आसानी से कोई भी यहां नहीं आ सकता। एक अननोन कॉल आते ही चल पड़ते हो क्या? वो भी ऐसे अकेले आए हो? यू आर डेयरिंग मैन, स्टूपिड डेयरिंग। साइमन मर्डर केस के पीछे ब्रेन एंड एग्जीक्यूशन और उससे जुड़े सारे सबूत अब तुम्हारे हाथ में हैं। अंडर योर कस्टडी एंड यू हैव माय मोस्ट वांटेड मैन अनिल। अचानक कहीं से एक नए खूनी ने आकर साइमन पामग्रो का कत्ल कर दिया। पुलिस ये बात कोर्ट में साबित कर देगी। इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। इट्स इनफ निरंजन, आई नो इट्स टू लेट टू टॉक अबाउट ट्रूथ। आई हैव नो टाइम फॉर यू, रदर डेस्टिनी हैव नो टाइम फॉर यू। Your gun. I said drop your gun. Really sorry to shock you like this, Sam. Dinkar is my man, my ally, my partner. Sir? मुझे पता था कि तुम इस तरह का रिस्क जरूर लोगे। मार्टिन को पकड़ने के बाद आईजी थॉमस, डीजीपी, होम सेक्रेटरी को कन्विंस जरूर कर लोगे। मैं जानता था मार्टिन की तरफ से तुम्हें एक अनजान कॉल मिली थी और तुम ट्रैप हो गए, जिसे मैंने ही अरेंज किया था। hey, निरंजन, थॉमस, आई टेल यू, ही इज डैम फ्रस्ट्रेटेड। hey,
तुम अब ये सोच रहे होगे ना कि मैंने ऐसा आखिर क्यों किया? नो सर, यू गॉट मी रॉन्ग। इस मुलाकात के लिए ही मैं यहां आया था। मैं जानता था कि आप यहां पहुंचेंगे खुद को सामने लाने के लिए। हे, डोंट ब्लफ। नो, आई एम नॉट। आपको याद होगा, आप जब मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने वाले थे तब थॉमस सर को इनविटेशन देने आए थे। दैट इनविटेशन कार्ड वॉज क्वाइट रिवीलिंग। आपके इंस्टीट्यूट का नाम बड़ा स्ट्राइकिंग लगा मुझे, मीरा मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। मैं आपका स्टूडेंट था उससे 2 साल पहले। पुणे के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली आपकी बेटी मर गई थी, एंड दैट कार्ड रिमाइंडेड मी, हर नेम वॉज मीरा। कौन खूनी है जब मैंने साइमन से पूछा था तो उसने मुझे बताया तो था, लेकिन उसके आखिरी शब्द मैंने गलत सुन लिए थे। जब मैंने ये जाना कि आपकी बेटी का नाम मीरा है, तब उसका सही मतलब मेरे सामने आया। मीरा स्पा। मीरा स्पा। साइमन ने जो बताया वो मीरा स्पा नहीं था, बल्कि वो था मीराज पा, मीरा के पापा, है ना? स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। मैंने आपकी बेटी के मौत के बारे में जानने के लिए पुराने न्यूज़पेपर छान मारे। आपकी बेटी जहां पढ़ती थी वो पुणे का पाम ग्रोव का एजुकेशनल ट्रस्ट था। तब 22 साल का साइमन वहां का एमडी था, एंड योर डॉटर वॉज साइमन पाम ग्रोव्स गर्लफ्रेंड। साइमन ड्रग एडिक्ट था और उसी की वजह से आपने अपनी बेटी खो दी। उसके बाद इस कत्ल के पीछे भी एक मिस्ट्री थी। अखबारों के हिसाब से यह बस इन्फ्लुएंस था पाम ग्रोव ग्रुप के साथ, लेकिन यह तय कर दिया गया कि यह एक दुर्घटना थी और आप मुंबई के हायर ऑफिसर होते हुए भी कुछ न कर पाए। सो द मोटिव वॉज रिवेंज। लेकिन इसके सामने और भी बहुत से सवाल बाकी रह गए थे। व्हाई दिस काइंड ऑफ अ किलिंग? आपके और मार्टिन के बीच क्या कनेक्शन है? तब मैंने सोचा कि साइमन नेशनल क्रिकेट लीग टीम में इन्वेस्ट करने वाला है, और यह बात मुझे बताई थी आप ही ने। एंड हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? सर्विस से रिजाइन देने के बाद दुबई में आपने बिजनेस शुरू किया, अचानक आप करोड़पति हो गए, यह सब कैसे हुआ? जब से हवाला से आपका कॉन्टेक्ट होने लगा तब से आपने उस सर्विस से भी रिजाइन कर दिया, बेगुनाह साबित करने के लिए खुद को वहां से निकाल लिया। जब मैं डीजे मिस्टर विल्सन सर के पास गया और उनको मिला तो उन्होंने मुझे बताया यू वे नॉट क्लीन, दैट यू हैड वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद अ दुबई बेस्ड हवाला कार्टल। बिना अनुमति के आपके 18 बार दुबई जाने के डिटेल्स आपकी पर्सनल फाइल से मिल गए। एंड मार्टिन दिनकर, एज यू सेड, इज योर मैन, एलाय एंड पार्टनर। आपके पास उस समय होम मिनिस्टर और 2 सेंट्रल मिनिस्टर थे। डीजी चुप रहे। सो यू गॉट ऑफ द सर्विस क्लीन। लेकिन उस रैकेट में दूसरे 3 ऑफिसर्स पकड़े गए, जिसमें मेरे पापा भी थे। सो इस बार मेरे लिए भी एक बदला था। यू गेट मी? एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट। तुमने सही बताया, साइमन्स किलिंग वॉज अ क्राइम ऑफ रिवेंज, जिसके लिए सही समय का मैं इंतजार कर रहा था और वो यहां शिफ्ट हो गया। वो मार्टिन से पंगा भी ले बैठा हमारे बिजनेस में हमारे आड़े आकर के। मैंने अपना बदला लेने का दर्द मार्टिन से शेयर किया। सो वी प्लान इट आउट विद आरडीएक्स अनिल। प्रमोद सुभाष को रास्ते पर उतारना, और जब साइमन आ रहा था मैं रास्ते में इंतजार कर रहा था। स्टॉप द कार। तू मुझे जानता है ना, मीराज पा। अनिल सर, अभी मौत इससे 10 मिनट दूर है। जोशी वहां इंतजार कर रहा है ना, इसे वहीं ले जाओ। ओके सर। ओ
So, that's it. You are still dear to me. But unfortunately, I can't spare you. आपने कहा था कि आपने मुझे यहां बुलाकर ट्रैप किया है। मैंने आपको ट्रैप किया है। हे, निरंजन, मैंने और थॉमस सर ने जानकर यह प्लान किया था एंड यू फेल राइट इनटू द ट्रैप। गुड लक। मैं हमेशा कहा करता था ना, आई एम ए टेरिफिक जज ऑफ टैलेंट। मैंने जब तुम्हें देखा तभी जान गया, यू आर ऑसम, टू ऑसम। ऑल राइट, नाउ यू कैन टेक मी थॉमस। सर, कम ऑन। वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू।